हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कुक विद काशनी में। कंडेंस मिल्क बहुत सारी रेसिपीज में यूज़ होता है और इसे हम अक्सर बाज़ार से खरीद कर लाते हैं। तो आज मैं कंडेंस मिल्क की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो बिल्कुल बाजार जैसा स्मूथ क्रीमी कंडेंस मिल्क घर पर बनाकर तैयार करेंगे। इससे आप डिफरेंट डिफरेंट मिठाइयाँ भी बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हों तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में जो ये बेल का आइकन है उसे दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छे लगें तो थम्स अप दें। कंडेंस मिल्क बनाने के लिए सबसे पहले एक हैवी बॉटम कढ़ाई में 2 कप दूध ले लेंगे। आप लो फैट या फुल फैट कोई भी दूध ले सकते हैं। अब इसमें 1/2 कप शक्कर ऐड करेंगे। फिर दूध और शक्कर को एक साथ चलाते हुए मिक्स कर लेना है। दूध और शक्कर को पका लेना है। तो आप लगातार चलाते हुए इसे कुक करें। इस मिक्सचर को हाफ से भी कम होने तक कुक करना है, इसलिए आप इसे लगातार चलाते रहें। आप देख सकेंगे जैसे जैसे शक्कर दूध में मेल्ट होने लगेगी, दूध का कलर चेंज होने लगेगा। कंडेंस मिल्क में शक्कर स्टार्ट में इसलिए ऐड करनी है क्योंकि कंडेंस मिल्क में क्रीमी टेक्सचर इसी से आता है। गैस की फ्लेम को हाई पर रखें पर कंटिन्यू चलाते रहें। आप देख सकते हैं ये गाढ़ा होने लगा है, इसमें बबल्स आने लगे हैं, काफ़ी अच्छी तरह उबल रहा है। साइड्स को भी स्क्रैप करते रहें जिससे कंडेंस मिल्क स्मूथ बने। इसे जैसे जैसे कुक करते जाएंगे इसका कलर ऑफ वाइट होने लगेगा। तो कंटिन्यू चलाते हुए इसे पका लें। दूध आधे से भी कम हो चुका है, इसे अब इसी तरह मिक्स करते हुए इसमें पिंच ऑफ बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। जी हाँ, बेकिंग सोडा ही ऐड करना है। इसे ऐड करने से दूध पर तुरंत ही झाग सा आ जाएगा। बेकिंग सोडा कंडेंस मिल्क को क्रीमी टेक्सचर देता है और साथ ही इसे थिक बनाएगा। इसे कंटिन्यू चलाते रहना है वरना ये नीचे चिपक सकता है। इसमें उबाल आ रहा है, 4 से 5 मिनट के बाद ये और गाढ़ा हो जाएगा, साथ ही कलर भी चेंज हो जाएगा। ध्यान रहे कंडेंस मिल्क को पकाते हुए बहुत गाढ़ा नहीं करना है क्योंकि ये ठंडा होने पर और थिक हो जाता है। ये कंडेंस मिल्क बिल्कुल रेडी है। इसका बहुत प्यारा कलर आ चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट है। ये इस तरह से चिपचिपा सा हो जाएगा। तो ये लीजिए, तैयार है आपका होममेड कंडेंस मिल्क। गैस की फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और इस कंडेंस मिल्क को ठंडा होने देंगे। ठंडा होने पर ये इस तरह का दिखने लगता है। तो था ना घर पर कंडेंस मिल्क बनाना बहुत ही आसान। ये एकदम स्मूथ और क्रीमी सा बना है, बिल्कुल मार्केट की तरह। इससे आप अलग अलग रेसिपीज बना सकते हैं। अभी फेस्टिवल सीजन आ रहा है तो मिठाइयों में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी आप भी घर पर ही कंडेंस मिल्क बनाएं। इस कंडेंस मिल्क को आप फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।